नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल श्री विद न्यू वे पर। जैसा मैं आपसे वादा किया था, आपके लिए पल पल और सबसे सही जानकारी लेके आता रहूँगा, तो मैं फिर हाजिर हूँ। पहले आपसे आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, शिक्षक भर्ती मामले में 60-65 कटाव पर मोहम्मद रिजवान बनाम अन्य कोर्ट 23 नंबर 1 पर सुना जाएगा। देखिए इसमें अभी तक क्या हुआ है। तो जज साहब आ गए थे तो 23 में राजेश सिंह की कोर्ट ने अपना केस स्टार्ट नहीं किया है, फिर से आइटम 24 उठा लिया है। सरकार की ओर से एजी नहीं अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा हैं। वंदना सिंह केस इलाहाबाद से आए वकील ने दाखिल किया है, ये इलाहाबाद से आए हैं, सेम मैटर कनेक्ट है। अनिल तिवारी जी कोर्ट में उपस्थित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं पॉजिटिव सोचिए आप लोग। और अपने केस की सुनवाई चल रही, ऑडिशन के बजाय फ्रेश केस जैसा ने उठा लिया। बीएड को बाहर करने के रिजवान जोर लगा रहा है। ये वंदना सिंह नाम से जो इलाहाबाद में केस लगा था उसका यहाँ पर जो है उसके तथ्यों के आधार पर इसने जो है बीएड को बाहर करने के लिए एचएन सिंह को बुलाया है प्रयागराज से। उसी पर अब 24 मतलब नया फ्रेश मतलब जो कटाप वाला 23 था तो 24 जो फ्रेश उठा लिया गया है उस पर अब बहस चल रही है, उसके बाद कटाप पे होगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। 60-65 विरोधियों को नेक्स्ट डेट को मतलब नेक्स्ट डेट चाह रहे हो कि अगली डेट लग जाए, क्योंकि जब तक डेट है तब तक फंडिंग है। अब बीएड बाहर मैटर पर बहस चल रही है। 1981 नियमावली से 4-2-1 के तहत बीएड को बहस करना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने संशोधन कर बीएड को इस परीक्षा में शामिल किया था और रिजवान ने इसी पर मतलब उठा दिया है। तो अभी तक यही खबर निकल आई है। तो मेरे चैनल पर बने रहे और ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे खबर और निकल के आएगी आपको मैं लेके आऊँगा।